नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के लिए किस नाम के व्यक्ति वस्तु स्थान शुभ रहेंगे। तो मित्रों, इसके लिए चार कॉम्बिनेशन हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है SRK, मतलब किसी व्यक्ति का नाम S पे हो, R पे हो, K पे हो, तो उसके लिए किस तरह के नाम के व्यक्ति वस्तु स्थान शुभ रहेंगे। मित्रों, यदि S पे नाम है तो उसके लिए R और K शुभ रहेंगे। R पे है तो उसके लिए S और K शुभ रहेंगे। यदि K पे है तो S और R शुभ रहेंगे। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूँगा। जब प्रसिद्ध फिल्म बाहुबली Part 1 बन रही थी तो डायरेक्टर SS राजामौली के पैसे खत्म हो गए थे बड़े बजट के कारण। तब करण जौहर ने ही धन की मदद की थी। तो देखो, नाम था SS राजामौली, उसको मदद की थी करण जौहर ने। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, शाहरुख खान का नाम S से शुरू होता है, तो उसकी फिल्में अधिकतर काजोल के साथ हिट रही। इसी तरह सलमान और कैटरीना की जोड़ी भी फेमस रही, सैफ अली खान करीना कपूर, S से सैफ अली, K से करीना। इसी तरह हम देखते हैं सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही 10 साल तक। हम दूसरे उदाहरण देखते हैं, राम सीता, R से राम, S से सीता, कृष्ण राधा, K से कृष्ण, R से राधा। तो मित्रों, ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम अगला उदाहरण लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का, सचिन, तो उनके गुरु रहे रमाकांत आचरेकर। तो S से सचिन, R से रमाकांत आचरेकर और K से क्रिकेट। हम इंग्लिश में K लेंगे, हिंदी में क लेंगे। हम अगला उदाहरण लेते हैं राज कपूर का। राज कपूर के स्टूडियो का नाम था RK स्टूडियो, RK। और राज कपूर हमेशा संगीत के लिए लेते थे शंकर जयकिशन को, तो S से शंकर। तो मित्रों, शंकर जयकिशन की जोड़ी, तो S, R से राज कपूर, और उनका सरनेम में ही K आता है, कपूर। तो मित्रों, ये एक बहुत रिसर्च किया हुआ है, इसका पीछे लॉजिक यह रहता है कि जो भी त्रिकोण में राशि रहती है वो हमेशा बहुत सहयोग करती है। जब हम SRK देखते हैं तो कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, ये सब आपस में त्रिकोण में आती है, इसलिए एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। तो व्यक्ति को SRK नाम के कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकता है, यदि किसी का नाम S पे है, R पे है या K पर है। इस नाम के प्रोडक्ट, व्यक्ति एवं वस्तु स्थान शुभ रहेंगे। अब हम अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं, MAY, सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, ये आपस में त्रिकोण होती है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, MAY। तो यहाँ पे हम देखें अनिल कपूर, A से अनिल कपूर, तो उनको आज तक सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है माई नेम इज़ लखन गाने से, जो M से शुरू होता है। इस गाने को गाया था मोहम्मद अजीज ने, और इसमें फिल्म हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। तो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी बहुत सफल रही, क्योंकि M से माधुरी, A से अनिल। इसी तरह हम अगला उदाहरण देखते हैं MAY का, M से मुकेश अंबानी, A से अनिल अंबानी, और Y धनुराशि में आता है, तो धीरूभाई अंबानी धनुराशि थी बोलते नाम से, तो Y भी धनुराशि में आता है, Y वृश्चिक राशि में भी आता है, लेकिन यहाँ पे हम धनुराशि का Y ले रहे हैं, और ध भी धनुराशि में आता है। तो धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनकी जोड़ी प्रसिद्ध रही है। अब हम अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो पहले अगले कॉम्बिनेशन के पहले फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा,
कि जिसका भी एम ए वाई नाम मतलब सिंह राशि मेष राशि धनु राशि हो तो व्यक्ति को एम ए वाई नाम की व्यक्ति वस्तु स्थान बहुत शुभ रहेंगे। अब हम अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं आई पी वी जे। इसका मतलब है मकर राशि कन्या राशि और वृषभ राशि, परंतु वृषभ राशि में ब भी आता है और व भी आता है हिंदी का। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं एकता कपूर, वृषभ राशि एकता कपूर को बालाजी टेलीफिल्म फली, उनके पिताजी जितेंद्र हैं, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सिद्ध हो रहा है। अगला कॉम्बिनेशन लेते हैं हम उदाहरण का प्रभास, मतलब कन्या राशि पी से कन्या राशि, उनकी सर्वाधिक हिट फिल्म रही बाहुबली वृषभ राशि पे। तो मित्रों मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिसकी मकर राशि हो कन्या राशि हो वृषभ राशि हो उसके लिए आई पी वी जे ए हिंदी का ए और हिंदी का ब और व यह नाम के व्यक्ति वस्तु स्थान शुभ रहेंगे। अब हम चौथा कॉम्बिनेशन देखते हैं एन डी एच, मतलब वृश्चिक राशि मीन राशि कर्क राशि यदि किसी व्यक्ति की है तो उसके लिए एन डी और एच नाम के व्यक्ति वस्तु स्थान शुभ रहेंगे। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।